अम्बाजरी पुलिस थाना अंतर्गत रविवार की रात सड़क दुर्घटना में दो युवतियों की मृत्यु होने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक बागुल ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि मामले में लिप्त आरोपी को 2-3 घंटे के भीतर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। इस बीच रविवार की रात अम्बाजरी पुलिस थाना अंतर्गत दो युवतियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने का मामला सामने आया। अम्बाजरी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली भरतनगर चौक में एक सफेद रंग की बलेनो डिवाइडर से टकराए जाने की जानकारी अम्बाजरी पुलिस को मिलते ही वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और उपरोक्त कार्रवाई की। दोनों युवतियों को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि चोट गंभीर होने से युवतियों को मृत घोषित किया गया। सीसीटीवी और गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक बागुल ने दी। इस दौरान उन्होंने गिरफ्तार आरोपी का नाम चिराग बताया। सर आपल्या अंबाझरी हदमध्ये एक ॲक्सिडेंट झालेला आहे सर आणि काही लोक मृत पावले, काय माहिती आहे सर नेमकी? काल रात्रीची घटना आहे। भरतनगर चौकामध्ये फुटपाथवर जाऊन झाडाला टक्कर देऊन भिंतीवर एक व्हाईट रंगाची बलेनो आदळलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये दुर्दैवाने 2 तरुण मुलींचा अपघाती मृत्यू झालेला आहे। त्यांना वाचवण्याचा भरपूर शर्थीने प्रयत्न झाला पण त्यांच्या इंजुरीज जास्त सिरियस असल्यामुळे त्याच्यामध्ये डॉक्टरांना यश आलेलं नाही आहे। घटनास्थळी तात्काळ आम्ही रात्री पोहोचलो आणि लगेच पोहोचून आम्ही जी काही आवश्यक कारवाई असते ती केली। आरोपी त्यावेळेस घटनास्थळावरून निघून गेले होते। त्यांना आम्ही शोधलं, लोकेशन वगैरे ट्रेस केलं आणि इतर बातमीदारांमार्फत त्याचं रात्र 1-2-3 तास त्यांनी आमचे घेतले। फॉर्च्युनेटली त्यांना आरोपीला अटक करण्यात आलेली असून गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई वरिष्ठांच्या मार्गे। शहर में जिस तरह से सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है उसे देखते हुए जल्द से जल्द इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।